करेले तो बहुत बार बनाया और खाया होगा, बट मेरे इस तरीके से एक बार करेले बनाएंगे फ्रेंड्स तो हमेशा ऐसे ही बनाकर खाएंगे। कम प्याज और कम मसालों में बिना कड़वाहट का ये करेला का रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो बस हमेशा ऐसे ही बनाना चाहेंगे। बहुत ही अलग तरीके से आज मैं करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइफ विद रेनू। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये करेले की मज़ेदार रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। और मेरा वीडियो रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो करेले की मज़ेदार और अलग सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के करेले लिए हैं। ये वजन में 250 ग्राम है फ्रेंड्स। ये ना ही तो ज़्यादा बड़े साइज के हैं और ना ही छोटे साइज के हैं, मीडियम वाले करेले लिए मैंने। तो सबसे पहले सारे करेले को बीच से डिवाइड करके इसके अंदर का जो सीड्स और फ्लेश होता है उनको निकाल लेना है। इनको निकालने के लिए आप नाइफ़ या फिर पिलर की हेल्प से निकाल सकते हैं। पिलर से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आगे और पीछे के साइड को भी कट कर लेना है। करेले के बीज भी तो फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स, बट खाने में ये अच्छा नहीं लगता है और बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए इसके फ्लेश और इसके सीड्स को निकाल देना है। इससे करेले की जो कड़वाहट है ना, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तीनों करेले को कट करके सीड्स और इनके फ्लेश को निकाल करके रेडी कर लिया है। अब इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो एक बाउल में पानी लिया है और इनको रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ कर लेना है। मैंने करेले के ऊपर के पार्ट को नहीं छील कर हटाया है, आप चाहें तो छील करके भी बना सकते हैं, इससे भी कड़वाहट कम होगी। मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ फ्रेंड्स, डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, बच्चों भी इनको पसंद करेंगे। और कम मसाला और कम प्याज में फ्रेंड्स, बिना कड़वाहट का ये करेला का रेसिपी बन करके रेडी हो जाता है। तो सारे करेले को अच्छे से वॉश करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और उसके बाद इनको इस तरीके से कट करना है सर्कल शेप में। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है और ना ही बहुत मोटा, मीडियम साइज के चौड़ाई में हमें करेले को कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से सारे करेले को कट कर लिया है और इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब मैं करेलों पर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर से मैरिनेट कर रही हूँ, जिससे कि करेले हमारे सॉफ्ट तो होंगे ही और इनमें नमक भी आ जाएगा। और इस तरीके से रखने से करेले की कड़वाहट भी थोड़ी कम होगी। सारे करेले को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है नमक और हल्दी पाउडर से। अभी इन्हें साइड में रख देते हैं और आगे देखते हैं कि क्या करना है। करेले की रेसिपी फ्रेंड्स, बड़ों को भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होता है, बट इस तरीके से बनाइएगा तो बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और ग्रेटर लिया है और 2 बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है। ये बड़े साइज का है, अगर आप छोटा ले रहे हो तो 4 आलू ले सकते हैं। तो आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है, आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। मैंने आलू को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। मैं हमेशा जब कभी भी मतलब दाल वगैरह बनाती हूँ तो उसमें आलू बॉईल करके 4-5 तो मतलब रख ही देती हूँ, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रही है और बच्चे घर पे रहते हैं तो उन्हें छोटी मोटी भूख लगती रहती है। तो आलू उबला हुआ रहता है तो उनसे आप कोई भी नाश्ता मतलब फटाफट से स्नैक्स या कोई भी रेसिपी बना करके बच्चों को दे सकते हैं। तो दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है। इसको और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता कट किया है। इससे ना बहुत ही टेस्टी बनेगा स्टफिंग। और अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन ज़रूर ऐड करें। 1 चम्मच डाला है चाट मसाला, चाट मसाला की जगह आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, बहुत कम डाला है। साथ में डाला है नमक स्वाद के अनुसार
और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्टफ्ड करेला कढ़ी की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है इसको। तो चटपटा सा हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है, तो उसको साइड में रख दिया है। और इतने देर में देखिए फ्रेंड्स, करीब 5 से 6 मिनट तो हो गए होंगे, तो करेले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पानी रिलीज हो गया। नमक और हल्दी में इसे मैरिनेट करके रखा था। अब एक एक पीसेस में हमें थोड़ा थोड़ा आलू का स्टफिंग देना है और हमें भरना है। आप चाहें तो फ्रेंड्स स्टफिंग को फ्राई करके भी रेडी कर सकते हैं, बट ऐसे भी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनता है। तो एक एक करके सारे करेले में हमें स्टफिंग भर देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे करेले को स्टफ करके रेडी कर लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इनको क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया है और उसमें ले रही हूँ सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच के करीब लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें एक एक करके जो स्टफ्ड करेला है उसको हमें इस तरीके से डालना है और ढक करके हमें दोनों साइड से इन्हें फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में ये करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। 2 बार में सारे करेले को फ्राई करूंगी। अभी आधा डाला है और आधा दूसरे शिफ्ट में फ्राई करूंगी। तो जब तक करेले हमारे फ्राई होते हैं आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैरी लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज, एक टमाटर बड़ा लिया है, एक हरी मिर्च और एक पूरा लहसुन जिसको छील करके लिया है। सभी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने प्याज का बहुत ही कम यूज किया है, मतलब एक मीडियम साइज का प्याज स्टफिंग में यूज किया है और एक यहाँ पर मीडियम साइज का प्याज लिया है। कैरी का बस एक टुकड़ा ही यूज करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कम प्याज में ही मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। वैसे तो करेला में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज पड़ता है, तभी करेला का सब्ज़ी टेस्टी लगता है, बट मैंने कम प्याज में ही और कम मसालों में ही बिना कड़वाहट का ये रेसिपी बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और यूनिक लगेगा। साथ में डाला है 10 से 12 गुलकी के दाने और छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो बिना पानी का भी ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्याज टमाटर लहसुन ये सब में पानी तो होता ही है। केरी और गुड़ ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। अभी तो मार्केट में केरी बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं। तो मसाला को साइड में रख दिया और इधर देखें फ्रेंड्स, एक साइड से करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मतलब एक साइड से 2 मिनट और दूसरे साइड से 2 मिनट, मतलब 4 से 5 मिनट में ये करेले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो एक साइड से तो फ्राई हो गए हैं, तो फिर से कवर कर देती हूँ। कवर करने से होगा क्या कि करेले हमारे अच्छे से कुक होंगे। तो ये देखिए, करीब 5 मिनट हो गए हैं, करेले हमारे दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी पराठा या फिर दाल चावल के साथ अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनके अंदर का स्टफिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और चटपटा है। तो जो बचा हुआ करेला है उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस 1 से 2 चम्मच में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो जब तक हमारे ये करेले फ्राई होते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स गैस पे कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तब मैंने इसमें ऐड किया 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ ज़रूर ऐड करें, करेले में स्वाद अच्छा आता है। तो जब मसाले अच्छे से तरक गए थे तब मैंने इसमें ऐड कर दिया ग्राइंड किए हुए मसाला को, और थोड़ा सा मसाला जार में लगा हुआ था तो पानी डाल करके डाल दिया है, इससे मसाला हमारा वेस्ट नहीं होगा। और इन्हें चलाते हुए हमें कुक करना है जब तक कि ये सूख कर थोड़ा कम ना हो जाए, क्योंकि मसाले सभी कच्चे हैं, टमाटर प्याज लहसुन वगैरह। मैंने इसमें अदरक का यूज नहीं किया फ्रेंड्स। तो देखिए, करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसालों को कुक होते हुए, कवर करके कुक कर रही थी। तो अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, बहुत कम डाला है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये देखिए मिर्च डाला है 1/4 टीस्पून, अगर हो तो डालें, नहीं तो स्किप करें फ्रेंड्स। और हमें इन्हें चलाते हुए कुक करना है, 1 से 2 मिनट मसालों को और पकाना है। ये देखिए मसाला का कितना प्यारा कलर आ गया है। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये करेला की रेसिपी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने अनुसार डालें, मतलब जितना आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखना है, गाढ़ा या फिर पतला। तो एक बार अच्छे से चला देते हैं और इसे कवर करके एक बॉईल आने तक पहले कुक करते हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा करेला फ्राई हो चुका है। लगभग 90-95% करेले हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, ये देखिए। और इधर देखिए, ग्रेवी में बॉईल आ गया है। तो अब मैं इसमें सारे जो स्टफ्ड करेले हैं फ्राई किए हुए, उनको ऐड कर दूंगी और कवर करके हमें बस 1-1.5 मिनट तक इनको कुक करना है, क्योंकि करेले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो भी ग्रेवी में कुक हो जाएगा। तो देखा ना फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत कम मसाले ऐड किए हैं, प्याज भी कम ऐड किया है, मैंने इसमें कोई गरम मसाला पाउडर का यूज नहीं किया है। वैसे भी ये टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यूनिक पोटैटो स्टफ्ड करेला करी की रेसिपी रेडी हो गई है। आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लास्ट में डाल दिया कट किया हुआ धनिया पत्ता। बच्चों से बड़ों सभी को ये पसंद आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्टफिंग भी हमारा चटपटा है और ग्रेवी भी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।